जड़ित मास्क बन्या आकर्षण नु केन्द्र। मुंबई ना परिवारे तैयार कराव्या छे खास हीरा जड़ित मास्क। सूरत में 165 हीरा जड़ित 12 मास्क तैयार करवामां आव्या। हीरा जड़ित एक मास्क की किंमत 1,05,000 रूपया छे। 12 हीरा जड़ित मास्क सूरत थी मुंबई मोकलवामां आव्या छे। के 1.5 लाख रुपया थी स्टार्ट थी ने आज 25 लाख 20-25 लाख रुपया सुधीनों के 50 लाख रुपया सुधीनों पर मास्क बने छे। जेवी जेनी कैपेसिटी जेवी जेवी डिमांड ए प्रमाणे मास्क बनता होय छे ने ए प्रमाणे लोको बनावे छे। आ मास्क अमुक गवर्नमेंट गाइडलाइन प्रमाणेना जे मास्क आवे छे तेनी ऊपर ज आ डिजाइनिंग करीने गोल्ड कार्विंग अने डायमंड स्टडेड करीने अमुक पीसो मास्कनी ऊपर लगाड़वामां आवे छे। एनाथी आखो लुक बदलाई जाए छे ने ए मास्क बनावामां लगभग मानु त्यां सुधी 7-8 दिवसथी माणीने 15-20 दिवस सुधीनो टाइम जाय छे। સુરતમાં કોરોનાના કહેર વચ્ચે બારડોલીમાં રહેતા અગ્રવાલ પરિવારે દીકરાના અનોખા લગ્ન કર્યા। લગ્નનું ફેસબુક પર લાઈવ કરી 3,000 લોકોને જોડ્યા। સાથે સાદાઈ પૂર્વક લગ્ન યોજી 3 લાખ રૂપિયા પ્રધાનમંત્રી કેર ફંડમાં આપ્યા। સરકારની ગાઈડલાઈનના પાલન સાથે રાધાકૃષ્ણ મંદિરમાં લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। લગ્નનું ફેસબુક પર લાઈવ કરતા 3,000 મિત્રો અને સંબંધીઓએ ઘરે બેઠા આ લગ્નને માણ્યા। સાથે વરવધુને ઓનલાઈન આશીર્વાદ પણ આપ્યા। સાદાઈપૂર્વક નિયમોના પાલન સાથે લગ્નનું આયોજન કરી અગ્રવાલ પરિવારે ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું। કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવું હોય તો આ પ્રકારના આયોજન ખૂબ જરૂરી છે। हम शॉर्ट एंड स्वीट रूप से शादी राधे कृष्णा मंदिर में करेंगे और सरकार की गाइडलाइन 200 होते हुए भी हमने 50 मेंबर को बुलाने का निर्णय किया और राधा कृष्णा मंदिर में हमने 50 मेंबर के साथ में शादी को संपन्न किया। शादी के साथ में हमने पूर्व निर्धारित रूप से सैनिटाइजर पेन और भाप की मशीन दी जिससे परिवार अपने भाप ले और उसके से कोरोना से बच सके और हाईटेक सीट वाटर की वाटर बॉटल जिसमें पीएच को इंक्रीज करता है जो बीमारी से लड़ने में कारगर साबित है उसको हमने हमारे मेहमानों को दिया। हमने ऑनलाइन शादी दिखाई फेसबुक पे और हजारों सदस्य मेंबर ने मेहमानों ने देखी और उन्होंने उसका एंजॉय लिया। उस बचत को हमने पीएम फंड में 3 लाख रुपए का डोनेशन दिया जिससे कि सरकार कोरोना से लड़ सके। आप सभी को यही सलाह देते हैं कि आपके घर पे जो भी फंक्शंस आए उसे सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पूरे से पूरा पालन करें। हाथ सैनिटाइज करते रहे और समय समय पर धोते रहे और अपना ख्याल रखें।